नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर भाजपा जिला कार्य समिति बैठक में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन कर भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी एवं विधायिका संतोष बावरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर घेराव करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बिहारी लाल बिश्नोई व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी कल के घटनाक्रम को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि एक चुने हुए विधायक व महिला नेत्रियों से पुलिस व प्रशासन के सामने बदसलूकी व अपमान कर अपनी राजनीति चिपकाने का प्रयास कभी सफल नहीं होने देंगे। बिहारी लाल बिश्नोई ने किसानों के आंदोलन को एक प्रायोजित साजिश करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को जायज मांग रखने के लिए सभी को अधिकार दिया है, किंतु तथाकथित किसानों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग कर रास्ता रोक अवैध रूप से दबंगगिरी दिखाई है। इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्त आने पर माकूल जवाब देगा। तो समझना चाहिए चार चीजें मोदी जी ने जो दुनिया के अंदर क्या बचाया। अभी कोविड वैक्सीन थी, 70 साल में एक भी वैक्सीन हमारी सरकार को बना नहीं सकी और आप 34 करोड़ को तो वैक्सीन दे दी और 90 करोड़ डोज बना देंगे। हम इतना पैसे भारत गणराज्य है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहने का तरीका प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए। इस बात का सभी आंदोलनकर्ता चाहे किसी भी विषय पर देश के किसी भी कोने में करे, इस बात का उससे अंदाजा रहना चाहिए कि आप जोर जबरदस्ती डंडे की जोर पे जो कोई आंदोलन करना चाहते हो तो उसके लिए प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं, घोर खंडन करते हैं।